उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु पर अब उनके आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपए मिलेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में उनकी मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में उपनल के प्रबंध निदेशक और पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड ने इसे लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया गया कि राज्य में करीब 25,000 उपनल कर्मचारी हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व में उपनल कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा मात्र 15,000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया, लेकिन अब उनका 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा किया गया है। इसके लिए कर्मचारी का PNB में खाता होना जरूरी है। हालांकि किसी की जान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उपनल का गठन पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए, आज उपनल के माध्यम से 22,500 से अधिक लोग प्रदेश में व देश के अन्य भागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भगवान का करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, मुझे याद है एक बार मैंने मीटिंग ली और मैंने पूछा कि भाई कोई कर्मचारी की अगर दुर्घटना होती है तो कितना पैसा मिलता है, जो मुझे बताया कि 15,000 मिलता है। तो मैंने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया और आज हमारे MD जी के प्रयासों से और दुबी जी के विशेष सहयोग से हमने ये सुनिश्चित किया है कि देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इस कष्ट के समय में अगर कुछ राहत राशि उसको मिलती है तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। उसको लगता है कि डिपार्टमेंट सरकार उसके साथ खड़ी है। इससे अभियोग होने के बाद 50 लाख का जो इंश्योरेंस हुआ है उस दुर्घटना में इस व्यक्ति के परिवार परिजन को उसको मिलेगा और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विभाग की है।